हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या और मैं आप लोगों के लिए हेल्थ, ब्यूटी और न्यूट्रिशन के अलग अलग वीडियोस आती रहती हूँ। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ वेट लॉस सीरीज। सो इस वेट लॉस सीरीज में आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स या फिर कुछ रेसिपीज या फिर कुछ जो मिथ्स होते हैं वेट लॉस को लेकर, वो मैं सारे जो सच है उसका वो सब आपको इस सीरीज में बताने वाली हूँ कि इसका क्या क्या सच है, आप क्या क्या टिप्स फॉलो करके आप वेट लॉस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। सो मैं इसके लिए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और इसके साथ ही मेरी समर सीरीज़ जो है वो भी चालू है, तो इसमें भी मैं अपने सारे जो वीडियोस है अपलोड करती रहती हूँ। सो समर्स में आपकी आपकी स्किन को कैसे हेल्दी रखना है या फिर आपकी जो बॉडी है आप उसे कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ये भी मेरी सीरीज़ चल रही है। सो आपको इस वीडियो, अगर इसके आगे के जो वीडियोज़ है वो सारे देखने हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5 वेट लॉस मिथ्स के ऊपर, जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ और ये मिथ्स आप आज तक फॉलो करते आ रहे हो, सो इसका सच मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये मिथ्स आप आज तक भी फॉलो करते आ रहे होगे बहुत सारे लोग। सो इसका सच मैं आपको बताने वाली हूँ और इसके इस बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं उसके बाद आपका वेट लूज है, वेट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी लूज हो जाएगा क्योंकि आप ये मिथ्स जो है वो फॉलो नहीं करोगे। तो हमारा जो फर्स्ट मिथ है वो है, अगर आप गर्म पानी, सिर्फ गर्म पानी पीते हो या फिर गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीते हो या फिर पानी में कुछ बहुत सारी चीज़ें डालकर अगर आप ड्रिंक पीते हो, सिर्फ उससे ही आपका वेट लूज होता है क्या या फिर वेट लूज होता है क्या? सो गाइज, जो सिर्फ आप गर्म पानी पीते हो या फिर कुछ ड्रिंक्स बनाकर जो आप पीते हो तो सिर्फ उससे आपका वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस जो होता है वो टोटली डिपेंड्स ऑन योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज। जो आपकी डाइट होती है वो 80% डाइट होती है और जो एक्सरसाइज होती है वो 20% जो होती है वो एक्सरसाइज होता है, इसके ऊपर जो आपका वेट लॉस होता है तभी होता है। सो अगर आप ये जो ड्रिंक्स लेते हो ये सिर्फ आपकी जो स्टैमिना है ये बूस्टअप करने के लिए होती है या फिर कुछ हद तक वेट लॉस करने में होती है या फिर जो आपका मूड है वो रिफ्रेश करने के लिए होती है, इससे वेट लॉस के ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ आप इस ड्रिंक में डिपेंड रहोगे कि ये ड्रिंक लेके हमारा वेट जो है 5 to 10 kgs लूज़ कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ होती है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप ये ड्रिंक लेते हो तो आपका जो वेट है वो ऐसे 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 लूज़ होगा या फिर 5 to 10 kgs वेट आप एक वीक में लूज़ कर सकते हो ये सिर्फ एक ड्रिंक पी के, तो ऐसा नहीं होता हो सकता। इसके लिए आपको बहुत अच्छा डाइट फॉलो करना पड़ता है या फिर अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये दोनों चीज़ें जब आप करोगे तभी आपका वेट जो है वह तभी लूज़ होगा। हमारा जो सेकेंड जो मिथ है वो है, अगर हमें सिर्फ एक ही जो एक्सरसाइज है वो करेंगे तो आपका जो टमी है वो पूरा का पूरा स्लिम हो जाएगा, सारा जो फैट है वो निकल जाएगा सिर्फ हम एक एक्सरसाइज 5 to 10 minutes तक रोज़ करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइज। आपको अगर आपका वेट लॉस करना है तो आपको सारी की सारी एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ती है, तभी आपका जो फैट है वो बर्न होगा और तभी आपका वेट लूज़ होगा। एक ही एक्सरसाइज करके आप कुछ से कुछ नहीं हो सकते, मोटे से एकदम पतले नहीं हो सकते, तो आपको इसके लिए प्रॉपर जो एक्सरसाइज होती है वो फॉलो करनी पड़ेगी तभी आपका वेट लॉस होगा। सो दिस इज ट्रू, तो यही सच है और इससे ही अगर आप सारे एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तभी आपका वेट लॉस होगा, सिर्फ एक से एक्सरसाइज से नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे या फिर बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पे लिखा जाता है कि अगर आप प्लैंक जो है वो प्लैंक के जो 3 sets है आप मारोगे दिन में करोगे तभी आपका जो वेट है पेट जो है वो ऐसे ऐसे एकदम पतला हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो आपको इसके लिए सारी एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ेगी तभी आपका वेट लॉस होगा और आपकी जो बेली है वो स्लिम बनेगी। तो हमारी नंबर 3 की जो मिथ है कि आप 10 to 15 kgs वेट जो है वो 1 week में लूज़ कर सकते हो या नहीं। सो इसका जो आंसर है वो है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते 10 to 15 kgs। पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस है YouTube पे जिसमें क्लियरली बताया गया है कि आप 1 week में या फिर 2 week में 10 to 15 kgs वेट जो है वो आप लूज़ कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये फिर तो आपको कुछ खाना ही नहीं पड़ेगा तभी आपका इतना सारा वेट जो है वो लूज़ होगा। और ये भी लूज़ किया गया वेट जब आप आपकी रोटी या फिर जो चावल खाते हैं जब आप खाते हो वो फिर से गेन हो जाएगा, जो आपका पेट है वो पतला होगा फिर ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 week में 10 to 15 kgs बिल्कुल भी नहीं। सो ये सारी जो बातें होती है वो फेक होती है, इन पर आप ध्यान
नहीं, आपको ध्यान नहीं देना, आपको आपके वेट लॉस से कंसिस्टेंट रहना है। जो भी आपका डाइट है या फिर जो एक्सरसाइज है आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। और अगर आप इस आपके वेट लॉस से यानी जो डाइट है और एक्सरसाइज से कॉन्स्टेंटली आप ये सब सारी जो चीज़ें हैं करोगे, तभी जो आपका वेट है तभी लॉस होगा। सो दिस इज ट्रूथ। सो हमारा नंबर 4 का जो मिथ है वो है कि अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो आप हमारा जो वेट है वो लॉस होगा। सो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, एक एक दो दो घंटे एक्सरसाइज करते हैं और लेकिन डाइट कुछ भी फॉलो नहीं करते और फिर बोलते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ या फिर करता हूँ लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं होता। सो ऐसा नहीं होता, मैंने पहले भी बताया है, जो आपका जो वेट लॉस है वो टोटली डिपेंड्स ऑन योर 80% ऑफ डाइट एंड 20% ऑफ एक्सरसाइज। सो डाइट इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज से, पर एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं अच्छे से फॉलो करनी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ डाइट को फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज को नहीं। सो अगर आप डाइट फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका वेट लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप ये जो वेट लॉस करते हैं तो इसके आपकी जो स्किन है वो लूज़ बनती है और ये जो स्किन है आपको फिर टोन्ड करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो आपकी स्किन लूज़ हो गई होगी जो उसे फिर से टोन्ड करने में हेल्प करता है। सो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर फोकस करना है। तो हमारी 5th एंड लास्ट जो मिथ है वो है रोटी एंड राइस जो है वो हमारा वेट गेन कर देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कार्ब्स भी हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप जो रोटी और राइस है वो एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं खा सकते। अगर आप इस एक टाइम पे दो रोटी खा रहे हो तो आपको राइस नहीं लेना, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। तो अगर आप जब रोटी खा रहे हो तो आपको राइस नहीं खाना, या फिर जब राइस खा रहे हो तो आपको रोटी नहीं खानी, क्योंकि इसमें कार्ब्स की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई लेवल पे होती है। तो आपको इसे कंट्रोल में करना है और आपको इसे नाइट के टाइम पे अवॉइड करना है, तब आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद होगी। सो ये थी हमारी 5th जो मिथ, लेकिन ऐसा 5th मिथ हमें ये फॉलो नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये राइस और जो हमारी रोटी है वो अगर आप स्किप कर देते हो, चलो आपका इससे वेट लॉस होगा, लेकिन अब जब आप स्टार्ट करोगे आपका जो नॉर्मली आप जो मील खाने स्टार्ट करोगे तब आपका वेट जो है वो फिर से गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इसे लाइफ टाइम तो नहीं छोड़ सकते। तो आपको इसे फिर से खाना पड़ेगा जब रोटी एंड राइस, तब आपका वेट गेन होना ही है। तो आपका जब वेट लॉस चल रहा है तो आपको उसमें राइस एंड रोटी को स्किप नहीं करना, उसे भी आपको टाइम टू टाइम लेना है। गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? सो इस वीडियो में मैंने आपको 5 मिथ्स बताया है वेट लॉस को लेकर जो आप लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हो, तो अब से आपको ये फॉलो नहीं करने, जो सच मैंने आपको बताया वो आपको फॉलो करना है, तभी आपका वेट लॉस जो है वो होगा बहुत अच्छे से होगा। और आपको जो आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज है उसको लेके बहुत अच्छे से कॉन्स्टेंटली आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तब आपका वेट 100% श्योर वेट लॉस होगा ही होगा। सो गाइज आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए।